सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। तो आज हम बात करने वाले हैं टेरेरियम टोकन के ऊपर गाइस, और यहाँ पे इनको आपको पता ही है, इनका एक्सचेंज लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ट्विटर पे इनके 15.5 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपडेट आई है अभी लेटेस्ट अपडेट है, और यहाँ पे आपको टेरा एक्सचेंज इज नाउ ओपन टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएई। और ये जो एक्सचेंज है इंडिया में अवेलेबल है और यूएई में अभी अवेलेबल है, पर 25 जनवरी से आपको ये यूएसए में भी दिखेगा और यूरोपियन कंट्रीज में भी ये अवेलेबल हो जाएगा टेरा एक्सचेंज, जो कि एक बिगेस्ट आपके लिए बहुत अच्छी चीज न्यूज आपको देखने को मिलेगी। और मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पे आपको वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि यार ये लोग छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो गाइस ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो गाइस और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज और टेरा एक्सचेंज इज थ्रिल्ड टू अनाउंस द लिस्टिंग ऑफ शिबा इनू। शिबा इनू भी यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किया है, शिप और यूएसडीटी का पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप रिवार्ड साइन अप करके, आप टेरा पे आप साइन अप करेंगे या फिर केवाईसी करेंगे, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिवार्ड जीतने का भी मौका मिलता है जो भी न्यू यूजर्स हैं, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें गाइस इन्होंने यहाँ पे जनवरी 4 को एक ट्वीट भी किया था, इन 2022 3.8 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम शिफ्टेड टू फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आप देखो 3.8 बिलियन, ठीक है, एट टेरेरियम कैन चेंज दिस, मतलब टेरेरियम जो है इंडिया का जो वॉल्यूम है उसको बाहर नहीं जाने देगा, इनका ऐसा कहना है कि मतलब ये समझ लो 32,000 करोड़ रुपए ना फॉरेन के अंदर शिफ्ट हो गए थे 2022 के अंदर, ठीक है। देखो आप कितना पैसा शिफ्ट हुआ, मतलब लोगों का इंडियन एक्सचेंजेस से ट्रस्ट निकलने लगा था, तो उन्होंने इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर शिफ्ट कर दिया, अपना फॉरेन एक्सचेंज में सारा पैसा शिफ्ट कर दिया था, ठीक है गाइस। तो ये भी चीज है, मतलब टेरा ऐसा नहीं करना, क्योंकि टेरा यूएस में भी है और यूरोपियन कंट्रीज में भी है और बहुत सी कंट्रीज में धीरे धीरे आने वाला है, ठीक है गाइस। तो ये इसको एक बिगेस्ट कॉइन बनाता है इस तरीके से। सो गाइस, और काफी लोग ऐसा है इन्होंने 165 ईथीएच जो है सेल आउट क्यों किए हैं, मार्केटिंग वॉलेट अपना डंप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो गाइस यहाँ पे इन लोगों को ये उन्होंने सीधा कहा था कि यार हम लोगों को अपनी सैलरी देनी होती है, सारे काम करने होते हैं, तो अभी ये लोग अपना थोड़ा बहुत सिस्टम इनको मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आपको पंप एंड डंप की स्थिति देखने को मिल सकती है, बट कहीं लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। जैसे इनका वॉल्यूम आने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें पटरी पे आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए गाइस, बहुत ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकता है, बट 100% गारंटी देखो मैं भी अभी भी नहीं दे सकता गाइस कि मैंने कहा और आपने कह दिया। तो आप अपनी रिसर्च भी जरूर करें किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, ठीक है गाइस। और अभी दिखा देता हूँ टेरेरियम की जो करंट प्राइस है, इस वक्त चल रही है 0.0, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे करीब 8.0 आपको देखने को मिलेगी 2602 के आसपास, और यहाँ पे करीब 4.6 मिलियन की मार्केट कैपिटल है, 33,000 डॉलर का वॉल्यूम है। सप्लाई जो है 18 क्वाड्रिलियन यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये सप्लाई और भी कम है मेरे ख्याल से, इन्होंने भी और बर्निंग करी थी। ये जल्दी से यहाँ पे आपको सप्लाई जो है ट्रिलियंस में आपको जरूर देखने को मिलेगी बहुत जल्दी 100%, ठीक है गाइस। देखते हैं यहाँ पे कब तक मिलती है। सो गाइस ये और चीजें हैं, और इनके जो होल्डर्स हैं 10,319 होल्डर है, होल्डर्स में थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को जरूर मिल रही है गाइस। तो देखते हैं यहाँ पे होल्डर्स कब तक, इनके 50,000 होल्डर जब तक कंप्लीट नहीं करते तो मजे वाली बात नहीं होगी, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप देखो टेरेरियम का ये आप दिखा रहे हैं वॉल्यूम में आपको दिखाई दिया, ये 34,312 का वॉल्यूम है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ये इनका टेस्ट है, मैंने यहाँ पे देखो मैं एक बार खोल देता हूँ, ठीक है गाइस। और तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं आपको आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, दिखाऊंगा आपको है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, ये तो इनका एक्सचेंज है, आप इसका लुक देखो, मतलब इट्स वेरी लुकिंग वेरी प्रोफेशनल लगता है बहुत यार, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है गाइस। मतलब बहुत इजी टू ट्रेड है, यहाँ पे आपको काफी करेंसी मिल जाएंगे, बस धीरे धीरे यहाँ पे लिस्टिंग आपको होती हुई दिखेंगी, ठीक है गाइस। तो ये देखो यहाँ पे शिव का जो पेयर है वो भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको भी अपडेट दी है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा कहाँ गया, ये देखो ट्रेडिंग यहाँ पे 7 जनवरी से शिव का पेयर आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखो एक चीज आप देखो, यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना इंक्रीज हुआ है, आप ये चीज नोटिस करो, ये देखो पहले यहाँ पे ट्रैफिक एकदम विजिटर 7,800 थे, सडनली यहाँ पे देखो बूस्ट हुआ है 58,000 यहाँ पे विजिटर्स एकदम से बूस्ट किए हैं, ठीक है। और जो स्पेशल जो ट्रैफिक है ना इंडिया से 29% है, यूनाइटेड स्टेट से भी 20% ट्रैफिक आ रहा है, अभी तो यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च भी नहीं हुआ है अभी भी 20% ट्रैफिक आ रहा है, और बेल्जियम से 50% ट्रैफिक आ रहा है। मतलब देखो यूरोपियन कंट्रीज में जब भी अपना ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आप देखो ट्रैफिक क्या आने वाला है इनके पास, मतलब गाइस दिस इज रियली गोना बी ग्रेट, मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक आने लगेगा ना यहाँ पे एक्सचेंज में ट्रैफिक आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग होगी। तो मुझे लगता है इनको लिस्टिंग जल्दी से जल्दी इनको लिस्टिंग विस्टिंग सब कुछ करनी चाहिए, सारे कॉइन्स लिस्ट करनी चाहिए गाइस। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे कब तक सारा काम होता है। और इनकी जो है ऐप भी आने वाली है बहुत जल्दी, ट्रेडिंग ऐप जो है लॉन्च होने चाहिए, गूगल पे और आईएस एप्पल की ऐप भी इनकी आने वाली है दोनों, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे कब तक लॉन्च होती है। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद इनकी ब्लॉकचेन भी लॉन्च होने वाली है,
तो आई एम वेटिंग फॉर द ब्लॉकचेन। इन्होंने कहा है कि विद इन 5 to 6 मंथ के अंदर इनकी ब्लॉकचेन भी आ जाएगी जो टेरेनियम ब्लॉकचेन के नाम से होगी, फिर इनका मेटावर्स भी आएगा, टेरा कार्ड भी लेके आ रहे हैं। तो मतलब काफी कुछ कर रहे हैं यार, तो इतना सारा अड़ंगा ला रहे हैं कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा ही यार। और देखो 1 मिनट का चार्ट है बीटीसी का, एकदम से कैसे डाउन चला गया तो ये बीटीसी बहुत ज्यादा ना अनस्टेबल रहा है आजकल, ठीक है। हालांकि 16,000 और 18,000 के बीच में घूम रहा है बीटीसी काफी टाइम से, आप देखना। अभी देखो अभी 24 हाई जो है बीटीसी का 16,875 हाई है और 16,705 लो चल रहा है, ठीक है। तो ये है अभी ठीक है बीटीसी का हाल, ठीक है। 16,000 के अंदर ही घूम रहा है, ये साल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो गाइस ये सारी अपडेट थी टेरेरियम को लेकर, गाइस आई होप से वीडियो आपको पसंद आए। तो गाइस ये ऐसा टोकन है, अगर आपने नहीं खरीदा तो आप बिटमार्ट पे जाके आप खरीद सकते हो, लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां पे जाके इसको जरूर खरीदे। कम से कम 10-15-20 डॉलर लगाओ, आप काफी सारे टोकन आप इकट्ठे कर सकते हो। और इनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे ये लोग अपनी ब्लॉकचेन के नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे ये लोग बर्निंग भी करने वाले हैं, ह्यूज बर्निंग भी होने वाली है, और ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद और तगड़ी बर्निंग होने वाली है, क्योंकि सारे टोकन जो है ब्लॉकचेन पे अपने माइग्रेट कर देंगे ये लोग। जो भी करंट प्राइस होगा उस समय वो ये नहीं होगा, वर्जन 2 नहीं आएगा, उन्होंने कहा है कि जो भी करंट प्राइस होगा वो सीधा उनकी चेन पे आ जाएगा, ठीक है, ब्लॉकचेन पे। तो ये अच्छी चीज है गाइस, वर्जन 2 लाने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, आपको पहले ही बता दूं मैं, ठीक है गाइस। पर गाइस मुझे वर्जन 2 से बहुत डर लगता है, अगर इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते भाई, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई वारंटी कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है गाइस। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पे इस प्रोजेक्ट का। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए।